आज के एपिसोड में हम सीखेंगे कि आउटडोर पोर्ट्रेट फोटो एडिटिंग किस तरह कर सकते हैं हम फोटोशॉप में। तो उसके लिए हम लेंगे ये इमेज और उसको हम एडिट करेंगे इनटू समथिंग लाइक दिस। कमिंग अप। हे व्हाट्स अप, दिस इज हर्षवर्धन और आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम सीखेंगे डिफरेंट तरह की टेक्निक फोटोशॉप में जिनके द्वारा हम आउटडोर पोर्ट्रेट फोटो को एडिट कर सकते हैं प्रोफेशनली। सो इसके लिए हम आज ये इमेज लेंगे। ये इमेज सेंड की है लक्ष्य ने। एंड बिफोर वी गो एनी फर्दर प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू वॉन्ट टू टेक योर फोटोग्राफी एंड फोटोशॉप स्किल्स टू अ होल न्यू लेवल। And to subscribe, just click the big red button below this video and don't forget to click the bell icon as well. That way you will not miss any new video from this channel. Having said that, let's get started. तो हम इस इमेज को डबल क्लिक करेंगे और जिससे कि ये लॉन्च कर दे कि Adobe Photoshop। और ये कैमरा रो है तो इसके लिए आपको Adobe Bridge इंस्टॉल करना होगा अगर कैमरा रो आपके Photoshop में नहीं ओपन होती है तो। और Adobe Bridge में ही कैमरा रॉ फिल्टर होता है। ऑटो पे हम पहले प्रेस करेंगे, एक्सपोजर को हम एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा कम कर लेंगे, कंट्रास्ट को कम करेंगे, हाइलाइट्स को थोड़ा और कम करेंगे, समथिंग लाइक दिस। और एक्सपोजर को थोड़ा और एडजस्ट कर लेते हैं और हाइलाइट्स को भी एडजस्ट करते हैं ताकि फेस पे क्लियर रहे हमें। शेडोज़ को ओपन अप करते हैं और वाइट्स को एडजस्ट करते हैं, समथिंग लाइक दिस। और ब्लैक को भी थोड़ा सा ओपन अप करते हैं यहाँ पर और क्लैरिटी को थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं और सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। टेम्परेचर को थोड़ा सा येलो की साइड लेके जाएंगे, वार्मर टोन की साइड। और ग्रीन को थोड़ा सा इस साइड पर्पल की साइड ले लेंगे या पर्पल की साइड थोड़ा सा इसको करेंगे एडजस्ट करके। टेम्परेचर को थोड़ा सा और एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर लाइकिंग। और शार्पनिंग में आएंगे और ऑल्ट दबा के मास्किंग इंक्रीज़ करेंगे, शार्पनिंग के अमाउंट को इंक्रीज़ कर देंगे, ल्यूमिनेंस को इंक्रीज़ कर लेंगे थोड़ा सा ताकि नॉइज़ ख़त्म हो जाए। लेंस करेक्शन में आएंगे, रिमूव क्रोमेटिक एब्रेशन पे चेक करेंगे और अनेबल प्रोफाइल करेक्शन पे चेक करेंगे तो ये लेंस डिस्टॉर्शन को चेक कर देगा और करेक्ट कर देगा। और उसके बाद हम ओपन इमेज कर लेते हैं और ये हमारी फ़ोटोशॉप में ओपन हो जाएगी। अगर आप सिर्फ डन करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो एडजस्टमेंट में जाएंगे और हम ब्राइटनेस और कंट्रास्ट क्रिएट करेंगे और ब्राइटनेस को बिल्कुल लोअर डाउन कर देंगे यहाँ तक। और मास्क सेलेक्ट करेंगे, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और सॉफ्ट एज ब्रश यूज़ करेंगे और ओपेसिटी 20% रखेंगे और ब्लैक कलर से अब हम मॉडल के ऊपर पेंट कर देंगे ताकि लाइट सिर्फ इस पर रहे बाकी जगह नहीं। इससे हम फोकस सिर्फ मॉडल पे ही अट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर एडजस्टमेंट में जाएंगे और एक कर्व्स और कलर बैलेंस एडजस्टमेंट क्रिएट करेंगे, क्लिपिंग मास्क पे क्लिक कर देंगे और फिर मिड टोन के ये तीनों स्लाइडर्स हैं सायान, मैजेंटा और येलो, हम इनको एडजस्ट करेंगे अपने अकॉर्डिंगली। और ये मास्क को ऑल्ट और ऑप्शन दबा के यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे तो इससे हमें ये सेम मास्क यहाँ पर मिल जाएगा। और अब हम इसको कंट्रोल आई से इन्वर्ट कर देंगे क्योंकि हम सिर्फ बैकग्राउंड को इफेक्ट करना चाहते हैं। और ये क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन अनचेक करेंगे, ऑल्ट दबा के दोनों लाइनों के बीच क्लिक करेंगे तो ये क्लिपिंग मास्क ख़त्म हो जाएगा। और अब ये सिर्फ हमारा हमें बैकग्राउंड पे ही
इफेक्ट करेगा, ठीक है। और स्किन पे ही, सॉरी, स्किन पे ही अब हम मॉडल की वर्क कर रहे हैं, तो ये सिर्फ वहीं पर इफेक्ट करेगा। तो इसमें तीनों ऑप्शन होते हैं, शेडोज़ भी, हाइलाइट्स भी और मिड टोन्स भी। तो इसके तीनों स्लाइडर्स को आप एडजस्ट कर लें। बेसिकली हमें थोड़ी सी वार्म स्किन चाहिए, तो हम उसके लिए इसको एडजस्ट कर रहे हैं। और अब हम इसको क्विकली सेव कर लेते हैं। सेव करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम एडजस्टमेंट में जाएंगे और ये कर्व्स एडजस्टमेंट क्रिएट करेंगे। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और यहाँ पर लेट्स से ब्लू कलर सेलेक्ट करेंगे और शेडोज़ में थोड़ा सा लेट्स से ऐड करके देखते हैं और हाईलाइट से थोड़ा सा कम करके देखते हैं, ठीक है। फिर हम ग्रीन करेंगे और इसी तरह ग्रीन को भी एडजस्ट करके देखते हैं कहाँ पर ये अच्छा लगता है। तो जहाँ पर भी ये ठीक सा लगे हम वहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेंगे। चाहे तो हम, अगर हम इसको अप की साइड ले जाएंगे तो ये ऐड हो जाएगा। और अब रेड को हम करते हैं और ये बेसिकली हमें एडजस्ट करके देखना होता है क्या ठीक लग रहा है। ये सिर्फ आपके लाइकिंग पर है, कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है। और मिड टोन पे क्लिक करके एक पॉइंट यहाँ कर क्रिएट कर लेंगे और फिर एडजस्ट करके देखते हैं। फिर एडजस्टमेंट में जाएंगे और फिर ह्यू एंड सैचुरेशन करेंगे और फिर इसमें से सिलेक्ट करेंगे लेट्स से ग्रीन और इसका ह्यू चेंज करके देखेंगे। लेकिन इसमें कलर डिस्टॉर्शन आ रहा है, आप देख सकते हैं, तो ये जच नहीं रहा है, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो देखिए अच्छा नहीं लग रहा, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। फिर एडजस्टमेंट में जाते हैं दोबारा और कलर बैलेंस क्रिएट कर लेते हैं एक नई, और फिर इसमें अब हम दोबारा एडजस्ट करके देखते हैं मिड टोन्स को। तो इसमें हम ये तीनों स्लाइडर्स हैं, येलोस और सायन, ये हम एडजस्ट करके इसको चेक करके देखते हैं कौन सा कैसा लग रहा है। और फिर हम ब्रश टूल लेंगे और थोड़ा सा ब्लैक कलर से पेंट कर देंगे मॉडल के फेस पे, ताकि ये इस पे ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करे। और आप इसको ऑन एंड ऑफ करके देख सकते हैं। तो मैंने तीनों एडजस्ट कर दिए थे इसमें, और एक नई लेयर क्रिएट करेंगे और फिर इसको कलर पे सिलेक्ट कर लेंगे और ग्रीन कलर थोड़ा सा सिलेक्ट करके ब्रश टूल से, सॉफ्ट एज वाली से और 20% ओपेसिटी से हम पेंट कर देंगे बैकग्राउंड पर। फिर ब्लू लेते हैं, ओप्स ब्लू इज़ नॉट लुकिंग गुड, तो लेट मी प्रेस कंट्रोल जेट वंस अगेन। और येलो लेके अब येलो कलर थोड़ा सा ऐड करेंगे फिर हम ऑरेंज ले लेते हैं और ऑरेंज को पेंट करेंगे और इसकी लेयर ब्लेंड मोड सॉफ्ट लाइट पे कर देते हैं और फिर पेंट करते हैं। और फिर ये वाला ले लेते हैं थोड़ा सा लेस सैचुरेटेड ऑरेंज कलर, और आप ऑन एंड ऑफ करके देख सकते हैं, अगर ज़्यादा लगे तो ओपेसिटी इसकी कम कर दें आप। फिर एक स्टैम्प कॉपी क्रिएट करनी पड़ेगी, तो एक और नई ब्लैंक लेयर क्रिएट करते हैं और थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज करके वाइट कलर से अब हम पेंट करेंगे थोड़ी सी लाइट, ताकि हम पेंट कर दें। अब कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको स्केल अप कर देंगे, यहाँ पे साइज़ बढ़ा देंगे इसका। ओप्स,
लेट मी जस्ट डू इट वंस अगेन, कंट्रोल टी, और फिर सेंटर में प्लेस करके यहाँ पे कॉर्नर को ड्रैग करके इसको स्प्रेड कर देंगे यहाँ पर, और इससे ये लाइट आ गई, थोड़ी सी ओपेसिटी इसकी कम कर देते हैं। फिर कंट्रोल टी दबा के थोड़ा सा नीचे से भी इसको थोड़ा ड्रैग कर देते हैं डाउन की साइड, और सी दबा के क्रॉप सेलेक्ट कर लेंगे, और थोड़ा सा टॉप से और थोड़ा सा साइड से हम इसको क्रॉप कर लेंगे लेफ्ट साइड से, और एंटर प्रेस कर देंगे। अब एडजस्टमेंट में जाएंगे और कलर लुकअप में हम सिलेक्ट कर लेंगे आई थिंक ये फोगी नाइट, और लेट्स से टू स्ट्रिप लुक, और आई थिंक हॉरर ब्लू, और उसका लेयर ब्लेंड मोड हॉरर ब्लू हम सिलेक्ट करते हैं इसमें, ये ठीक है। और इसकी लेयर ब्लेंड मोड को हम सॉफ्ट लाइट कर देंगे, और आप देख सकते हैं ऑन एंड ऑफ करके, और इसकी ओपेसिटी को हम लो कर देंगे समथिंग लाइक दिस। अब इस ब्लैक एंड वाइट सर्कल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से ग्रेडियंट पे सिलेक्ट कर लेंगे, इस ग्रेडियंट फिल पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से वाइट कलर से सिलेक्ट करके ये कलर हम पिक कर लेंगे माउस से, और ओके करेंगे, और यहाँ पे इसको न्यू प्रेस कर देते हैं, ओके कर देते हैं, स्टाइल को रेडियल कर देते हैं, और रिवर्स पे क्लिक कर देंगे, और इसको सेंटर को यहाँ करेंगे, लेकिन और स्केल अप कर देते हैं, लेकिन इसमें ये वाइट कलर है तो इसको लेट्स सी फिक्स करके देखते हैं। लोकेशन ओप्स नाउ, तो ये कलर यहाँ से ले लेते हैं हम, थोड़ा सा डार्क और डार्क थोड़ा सा, और आई थिंक ये थोड़ा सा डार्क और ज़्यादा लेना पड़ेगा, और ओके, और ठीक है सॉरी। और अब हम इसको न्यू प्रेस कर देंगे ताकि प्रीसेट अवेलेबल रहे, और अब इसके सेंटर को यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं, और स्केल इसकी इंक्रीज कर देते हैं ताकि ये स्प्रेड हो जाए अच्छे से, और ओके प्रेस कर देंगे। और अब हम मास्क को सिलेक्ट करेंगे, ब्रश टूल सिलेक्ट करेंगे, और ये ब्लैक कलर सेलेक्ट करके मॉडल पर पेंट कर देंगे ताकि वहाँ पर इसका इफेक्ट ना रहे। जूम इन कर लेते हैं, और अब हम इसकी स्किन पे काम करेंगे, एक ब्लैंक लेयर क्रिएट करते हैं, और मैं अपनी रैम फ्री कर लूं, और इसे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल सेलेक्ट करके जे प्रेस करेंगे तो ये आपको सिलेक्ट हो जाएगा, और ये सारे स्पॉट्स और ब्लैमिशेस को हम रिमूव कर सकते हैं जैसे आपको पेंट करना है, और ये अपने आप उसको फिक्स कर देगा। तो ये टूल बहुत ही बढ़िया है, और ये टूल बिल्कुल मैजिकल है, तो मैं जल्दी से कर देता हूँ, तो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ आपको ताकि आप बोर ना हो। तो ये मैंने ज़्यादातर कर दिया है, और ये थोड़ा बहुत और है, इसको भी हम कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। अब एक और नई लेयर क्रिएट करेंगे, जूम इन करेंगे आइज पर, और ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे ये हार्ड एज वाली, और इसकी ओपेसिटी स्माइल साइज स्मॉल करेंगे, और ओपेसिटी 100 कर लेते हैं, और यहाँ से इसको ऐसे सर्कल बना देंगे, और यहाँ पर भी
और लेयर ब्लेंड मोड को ओवरले पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर फिल्टर में जाएंगे, ब्लर और गॉसियन ब्लर सिलेक्ट करेंगे और इसके साइज़ को हम इंक्रीज कर देंगे इतना ब्लर आई थिंक, ताकि अच्छे से मिक्सअप हो जाएंगे, और ओके करेंगे प्रेस। और ये देख सकते हैं आप आइज़ में, अगर आपको ज़्यादा वो शार्प लग रही है तो आप इसकी कंट्रोल यू से ह्यू आप चेंज करके देख सकते हैं, अगर ह्यू चेंज होता है, क्योंकि ये रेड कलर की ज़्यादा लग रही है, नहीं हो रहा है तो अब इसकी ओपेसिटी को हम लो कर देंगे ताकि ये अच्छे से मिक्सअप हो जाए और नेचुरल लगे। तो आप ये देख सकते हैं इसको ऑन एंड ऑफ करके, अब एक स्टैम्प कॉपी बनाएंगे कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई दबा के और कमांड ऑप्शन शिफ्ट ई अगर मैक यूज़ कर रहे हैं। और मैं थोड़ी सी अपनी रैम फ्री कर लूं क्योंकि सिस्टम पे लोड बढ़ जाता है। तो अब जाएंगे फिल्टर, निक कलेक्शन और कलर इफेक्ट्स प्रो 4 में, और ये गूगल का प्लगइन है, ये बिल्कुल फ्री है। अर्लियर ये पेड था लेकिन अब ये फ्री हो गया है, इसको ज़रूर इंस्टॉल कर लें, इसमें बहुत सारे प्रोफेशनल टूल हैं। तो इसमें हमने प्रीसेट जो सिलेक्ट करना है वो है डायनेमिक स्किन सॉफ्टनर, एक को मैं इसको 100% जूम कर लेता हूँ, और यहाँ से ये कलर पिकर को चूज़ करूँगा और इस पर क्लिक कर दूँगा तो ये स्किन टोन ये सिलेक्ट कर देगा। और मैं इसकी एक बार सेटिंग चेंज कर लेता हूँ, इसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही है आजकल, ये अप्लाई नहीं होता है जब मैं इसको करता हूँ तो, और ओके कर देते हैं, देखते हैं। और अब कंपेयर का बटन आप प्रेस करके देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, और इसको फिट कर देता हूँ ऐड अनदर फिल्टर, और यहाँ से फिर हम क्रॉस प्रोसेसिंग या फिर ओके फिल्म मॉडर्न ले लेते हैं। और यहाँ पर अब इसके प्रीसेट्स को हम ब्राउज़ कर सकते हैं कि कौन सा अच्छा लग रहा है। तो इसमें हम ये एग्फा ऑप्टिमा 400 ले लेते हैं, और इसमें हम ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसे ही हम कंट्रास्ट इंक्रीज कर सकते हैं। और इस पे फिल्म डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे हमारे पास, और आप चाहें तो इन सबको भी एडजस्ट कर सकते हैं। और ये ग्रेन्स पर पिक्सल पे आएंगे, इसको हम इंक्रीज कर देंगे बिल्कुल 500 पर, जिससे कि इसमें ग्रेन्स ख़त्म हो जाएंगे। जूम इन करके देखते हैं 484 पे कितने ग्रेन्स दिखाई दे रहे हैं, थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं, थोड़ा सा इसको इंक्रीज करेंगे ताकि कम हो जाए। 495 पे आई थिंक ये फाइन है। और आप चाहो तो इन सब को रेड येलो और ये ग्रीन ये सब चैनल हैं इनको एडजस्ट कर सकते हैं, इससे आपको एक डिफरेंट लुक मिलेगी। ठीक है, आप कोई कलर या कोई ह्यू चेंज करना चाहते हैं तो वो आप सब यहाँ से कर सकते हैं। कंपेयर का प्रेस कर दें, देख लें आप बिफोर एंड आफ्टर, और फिर ओके प्रेस कर दें, और इसको प्रीसेट सेव कर लेते हैं। सेव रेसिपी के क्लिक करेंगे और इसको कुछ भी नाम दे दें आप, सोल स्किन रेड सिनेमैटिक में इसको दे देता हूँ, ताकि ये नेक्स्ट टाइम जस्ट वन क्लिक में अवेलेबल होगा, और ओके प्रेस कर देते हैं। अब ये सेव हो जाएगी और ये इस पर अप्लाई हो जाएगी, और ये यहाँ से सैंपल क्लिक कर लेते हैं, और वो मैंने अप्लाई कर दिया है, और ओके प्रेस कर देंगे। ब्रश टूल से अब हम इसमें थोड़ा सा और पेंट करेंगे, थोड़ा सा पार्ट इसका कट गया है क्योंकि ये मैं इंग्लिश में रिकॉर्ड किया था, फिर इसको अब मैं दोबारा कर रहा हूँ। अब एक नई ब्लैंक लेयर क्रिएट करेंगे और सॉफ्ट लाइट क्रिएट करेंगे, सॉफ्ट लाइट ब्लेंड मोड ले लेंगे और इसके निक्कर से इसका कलर ले लेंगे, और इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड पर ऐड करेंगे। अब येलो ले लेते हैं कलर, और येलो को अब हम यहाँ पर पेंट करेंगे बैकग्राउंड पर,
ऑन एंड ऑफ करके आप देख सकते हैं। और हम नीचे वाले को सिलेक्ट करेंगे, एक नई लेयर क्रिएट करेंगे और लेयर ब्लेंड मोड को सॉफ्ट लाइट कर देते हैं, ऑरेंज कलर सिलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा पेंट करते हैं, इसको थोड़ा सा लेस सैचुरेटेड कर लेते हैं और लाइट कलर ले लेते हैं और बैकग्राउंड पर पेंट करते हैं। ऑन एंड ऑफ करके आप देख लें इसको। कंट्रोल यू से ह्यू एंड सैचुरेशन आप इसका चेंज कर सकते हैं ह्यू, और देख सकते हैं कैसा लगता है। आई थिंक इसकी सैचुरेशन थोड़ी सी कम कर देते हैं, लाइटनेस को एडजस्ट करते हैं, मे बी समथिंग लाइक दिस, और ओके प्रेस कर देते हैं। अब ऑन एंड ऑफ करके देख सकते हैं, और टॉप वाले को भी ऑन कर देते हैं और इसकी ओपेसिटी को अब हम कम कर देंगे, समथिंग लाइक दिस। ओपेसिटी इसकी भी थोड़ी कम करनी पड़ेगी क्योंकि ज़्यादा कलर लग रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा। अब तीनों को सिलेक्ट करके ग्रुप देम टुगेदर कर देंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप कर देंगे और ऑन एंड ऑफ करके आप देख सकते हैं। एडजस्टमेंट में जाएंगे और सिलेक्टिव कलर्स सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसमें सभी डिफरेंट चैनल्स हैं कलर्स के, तो उनको हम एडजस्ट करके अपने अकॉर्डिंग इसमें लुक एडजस्ट कर सकते हैं, कौन सी लुक हमें पसंद है। तो इनमें सब में सायान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक चैनल होते हैं एक कलर के अंदर, तो हम उन सबको एडजस्ट करेंगे तो वो कलर स्पेसिफिकली टारगेट होगा। तो सिलेक्टिव कलर इसीलिए यूज होती है, तो उसमें हम ब्लैक ऐड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंट चैनल जो भी कलर्स अवेलेबल हैं इस इमेज में वो हम एडजस्ट कर सकते हैं, और मैं इसको क्विकली फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो मास्क सेलेक्ट कर लेंगे अब हम, और ब्रश टूल से ब्लैक कलर से 10% ओपेसिटी से अब हम फेस पेंट कर देंगे फेस पर और मॉडल पर थोड़ा सा, ताकि वहाँ पर इसका इफेक्ट ना रहे। और ऑन एंड ऑफ करके आप देख सकते हैं डिफरेंस अर्लियर बिफोर एंड आफ्टर। आप ब्रश सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा साइज़ कम करते हैं, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। ओप्स, ये वाली सॉफ्ट एज वाली करनी है हमें सिलेक्ट, और मैं पेंट कर रहा हूँ मॉडल के फेस पर और बॉडी पर, और आप ऑन एंड ऑफ करके देख सकते हैं। और मैं सेव कर लेता हूँ अपना वर्क बाय प्रेसिंग कंट्रोल एस। अब एक स्टैम्प कॉपी बना लेते हैं कंट्रोल ऑल शिफ्ट ई दबा के, और विविड लाइट इसका लेयर प्लान मोड सेलेक्ट कर देंगे, फिल्टर अदर और हाई पास में जाएंगे और रेडियस 1 चूज कर लेंगे, ओके करेंगे। लेट मी फ्री सम रैम और जूम इन करके देखते हैं कि इसमें कितनी शार्पनिंग हमारी हुई है। एक बार इसको सेव हो जाने दो। ओके, सेव हो गया। अब देखते हैं जूम इन करके, तो आप देखिए इसने इसको शार्प कर दिया है। अगर इसको ऑफ करेंगे तो आप देख सकते हैं डिफरेंस बिफोर एंड आफ्टर में। अगर आप फुल एचडी में देख रहे हैं तो आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि इसने सारी डिटेल्स एनहेंस कर दी हैं और थोड़े बहुत ग्रेन्स ऐड कर दिए हैं बैकग्राउंड पर भी।
ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ फेस पर ही रहे तो आप एक मास्क क्रिएट कर सकते हैं इसके लिए, ये ठीक है। अब सॉलिड कलर सेलेक्ट करते हैं और थोड़ा सा ऑरेंज वाला कर लेते हैं ये कलर, और कंट्रोल आई से इन्वर्ट कर देते हैं। ब्रश टूल लेंगे और सॉफ्ट एज ब्रश वाली, और वाइट कलर लेंगे और स्मॉल साइज़ करके ब्रश का इसके लिप्स पे जो हाइलाइट्स हैं उसको वहाँ पर पेंट कर देंगे, उससे वो थोड़ी सी और एनहेंस हो जाएगी। तो थोड़े से और लिप्स जूसी लगेंगे, थोड़े से अट्रैक्टिव लगते हैं। इस टेक्निक से हम थोड़ी सी उस डिटेल को एनहेंस कर सकते हैं। आईज पे भी थोड़ा सा आप चाहें तो कर सकते हैं। और इसकी ओपेसिटी कम कर लें अगर आपको लगता है आपने ज़्यादा कर दिया तो। ठीक है, मैं सेव कर लेता हूँ और फिर इस पे सर्कल पे जाएंगे और एक सॉलिड कलर लेंगे, और इस बार ये हम पर्पल वाला लेंगे, लाइट पर्पल, और सॉफ्ट लाइट में इसको चेंज कर देंगे और इसकी ओपेसिटी को हम कम कर देंगे, तो थोड़ा सा इसमें ये पर्पल कलर ऐड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऑन एंड ऑफ करके, और यहाँ से हम दूसरा कलर चूज़ करके देखते हैं कि कैसा लग रहा है। अगर ठीक लगे तो हम ओके कर देंगे, अदरवाइज़ इसको ऐसे ही रहने देंगे। ओके, नहीं ठीक नहीं लग रहा है, वही कलर अच्छा लग रहा है तो हम उसी पे जाएंगे। ये वाला थोड़ा सा इधर करके देखते हैं कैसा लगेगा। ठीक है, यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेते हैं और ओके प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं अब ये ऑन एंड ऑफ करके कैसा हमें इससे रिजल्ट मिला। एक और ब्लैंक लेयर क्रिएट करेंगे इसके अबव, और ब्रश टूल सेलेक्ट कर लेंगे और वाइट कलर से थोड़ी सी हम लाइट और ऐड करेंगे इसके टॉप में, और 10% ओपेसिटी से हम पेंट कर रहे हैं ताकि हल्की सी लाइट इसमें टच आ जाए टॉप पर। अब कंट्रोल टी से अब इसको स्प्रेड कर देंगे और इसको अप कर देंगे पोजीशन को ताकि ये स्प्रेड हो जाए अच्छे से, और एंटर प्रेस कर देंगे और सेव कर लेते हैं वर्क को। और आपको मैं फुल स्क्रीन दिखाता हूँ, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट, और हमने स्टार्ट किया था। एक बार मैं अपना वाटर मार्क और लोगो प्लेस कर दूँ यहाँ पर, और ये इमेज है लक्ष्य की, लक्ष्य डार्गन, और ये स्टार्टिंग इमेज थी और इसको हमने टर्न किया है समथिंग लाइक दिस। So thank you so much. I hope you have enjoyed today's episode. If you did, please let me know in the comment section below. If you like the video, hit the like button. If you did not like the video, hit the dislike button. And if you have any question or want to say something, leave that in the comment section below. And if you want $439 premium courses absolutely free, just go to my website harshvardhanr.com and just sign up to my newsletter. So thank you so much. Bye-bye. See you in the next episode. Till then, keep shooting and keep creating something awesome.